हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टू नॉलेज। आज हम करने जा रहे हैं 15 दिसंबर 2019 के करंट अफेयर्स। स्टडी टू नॉलेज चैनल पे हम कवर करते हैं करंट अफेयर्स फॉर HPAS, HPL आईड सर्विसेज, SSC, बैंक्स PO, क्लर्क, RBI, स्टेट PCS के लिए। जो व्यूअर अभी स्टडी टू नॉलेज चैनल पे नए आए हैं, वे स्टडी टू नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आप लोग स्टडी टू नॉलेज चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्राप्त कर सकें और अपने प्रिपरेशन में लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो विल इन्वेस्टिगेट इलीगल प्लांटेशन ऑफ मारिजुआना एंड डिस्ट्रॉय देम डिप्लॉइंग ड्रोन्स। तो मारिजुआना की इलीगल प्लांटेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ड्रोन डिप्लॉय किए जा रहे हैं, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किए जा रहे हैं अलॉन्ग विद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? तो ये किए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा किए जा रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जो स्मगलिंग ऑफ मारिजुआना होती है वो प्रिडोमिनेंट है हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा एंड राजस्थान में। जो तुतीकोरिन पोर्ट है तमिलनाडु में, वो स्मगलिंग करता है मारिजुआना की मालदीव्स को, इलीगल स्मगलिंग होती है वहाँ पे। तो इस पे नज़र रखी जाएगी अब ड्रोन्स के द्वारा इसकी खेती के ऊपर, और उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। वो है टॉप द लिस्ट ऑफ फोर्स 2019 एडिशन ऑफ 100 वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वीमेन। तो फोर्स की लिस्ट में जो टॉप किया है वो है जर्मनी की जो चांसलर हैं एंजेला मर्कल जी ने, ये टॉप किया है इसमें एंजेला मर्कल। ये 65 इयर्स ओल्ड की हैं और इन्होंने 14 टाइम अपीयरेंस दी है इस अवार्ड में। 16 ईयर की हिस्ट्री है जो फोर्स मैगजीन की, और जो फोर्स मैगजीन है ये एनुअली कंपाइल करती है लिस्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल वीमेन लीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इन पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट में। तो किसने चेयर की थी फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल गंगा काउंसिल की? तो ये की गई थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये चेयर की गई थी। और जो ये हुई थी कानपुर में, यूपी में। और जो नेशनल गंगा काउंसिल है ये ओवरऑल होल्ड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डायरेक्ट डेवलप एंड कंट्रोल रिवर गंगा एंड द एंटायर रिवर गंगा बेसिन, इंक्लूड प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन एंड एबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन इन रिवर गंगा को, तो ये इंक्लूड करता है इसमें। और जो इसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो काउंसिल का, वो है HP में, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, उत्तराखंड एंड हरियाणा में। PM इसके चेयरपर्सन हैं, और जो मिनिस्टर हैं वाटर रिसोर्स रेजुविनेशन एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन के, वो इसके FCO चेयरमैन हैं। और इसमें जो मेंबर होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होते हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होते हैं, एनवायरमेंट मिनिस्टर होते हैं, टूरिज्म ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्टर होते हैं, और शिपिंग मिनिस्टर होते हैं, और जो वाइस चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, और CM होते हैं जो इसके अंदर जो ज्यूरिडिक्शन के अंदर जो स्टेट आती हैं। तो ये फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई है नेशनल गंगा काउंसिल की कानपुर में, और इसको जो चेयर किया वो किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इंडिया एंड होम अग्री टू एक्सपेंड देयर मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड बूस्ट देयर एंटी टेरर कोऑपरेशन इन ऑर्डर टू डील विद द कॉमन चैलेंजेस इन इंडियन ओशन। तो किसके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है एक्सपेंड देयर मैरीटाइम सिक्योरिटी? तो ये हुआ है मालदीव के साथ, मालदीव्स। जो चाइना है वो एक्सपेंड कर रहा है इंडियन ओशियन में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो अग्रीमेंट है ये साइन किया गया है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। और ये 6th जॉइंट कमीशन मीटिंग थी इंडिया और मालदीव के बीच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज इशूड ए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दैट विच व्हीकल हैज़ प्रोवाइडेड ए स्पेशल नंबर प्लेट लेटर्स VA। तो ये प्रोवाइड की जाएगी जो विंटेज व्हीकल होते हैं उनको एक स्पेशल नंबर दिया जाएगा अब VA, तो वो हैं विंटेज व्हीकल। इसका आंसर है विंटेज व्हीकल्स, विंटेज व्हीकल्स। और जो विंटेज व्हीकल हैं उनकी जो उनको जो काउंट किया जाता है, जो कोई व्हीकल 50 साल से ज़्यादा एज का हो जाता है
उसको विंटेज व्हीकल की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। वर्ल्ड डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन WDO विल लॉन्चिंग इस न्यू ग्लोबल प्रोग्राम वर्ल्ड डिज़ाइन प्रोटोकॉल वेयर। तो ये कहाँ पे होने जा रही है, तो ये होने जा रही है बेंगलुरु में, और इसका जो एम था इम्प्लीमेंटिंग होलिस्टिक प्रोग्रेस इन मेगा सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड थस मेकिंग देम सस्टेनेबल। वर्ल्ड बैंक इज गिविंग $406 million लोन टू बूम फॉर खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये खैबर पास है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, तो और ये जो बजट दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा $406 million का, ये दिया जा रहा है पाकिस्तान को। तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। विच पुलिस डिपार्टमेंट हैज़ अडॉप्टेड ए यूनिक बार कोडिंग सॉफ्टवेयर। तो किस पुलिस डिपार्टमेंट ने ये यूनिक बार कोड सॉफ्टवेयर जो लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है स्टेट ऑफ हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन ओशियन डायलॉग हेल्ड हेयर। तो इंडियन ओशियन डायलॉग कहाँ पे हुआ है, तो जो इंडियन ओशियन डायलॉग हुआ है वो हुआ है न्यू दिल्ली में हुआ है इंडियन ओशियन डायलॉग। इंडियन एक्सपेंड इस इंडो पैसिफिक पॉलिसी विद एक्सपेंसर विद टू रीजन विल इंक्लूड। तो ये किन दो रीजन को इंक्लूड करने जा रहा है अब इसमें, तो ये रीजन होंगे इसमें जो गल्फ स्टेट होंगे, जो गल्फ कंट्रीज हैं, और अफ्रीका को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। जो इंडो पैसिफिक है ये एक US कंस्ट्रक्ट एंड इंक्लूड रीजन बिटवीन इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। और जो इसकी US के अकॉर्डिंग इसकी जो रेंज है वो है ईस्टर्न शोर ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट टू द वेस्टर्न शोर ऑफ द US। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च विल सेट अप ए टास्क फोर्स ऑन विच इन ऑर्डर टू एनकरेज रिसर्च इन द फील्ड। तो ये टास्क फोर्स है जो वो सेटअप की जा रही है जीन थेरेपी के लिए। तो इसका आंसर है जीन थेरेपी। जो पर्पज है इसका टास्क फोर्स का इज टू एक्सप्लोर जीन एडिटिंग बेस थियोरेप्टिक अप्रोच दैट विल ट्रीट इलनेस। जो टास्क फोर्स है वो इंक्लूड करेगी जो जेनेटिक डिजीज होती हैं, अफेक्ट करते हैं, जैसे ब्रेन को, आई को, डिसऑर्डर मसल, हार्ट, रेटिना, कॉरिना एंड ब्लड डिसऑर्डर को। Who won the 26th annual Crystal Award for the year 2020 in the field of leadership in raising mental health awareness? तो ये जीता गया है जो इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण के द्वारा, और ये फर्स्ट टाइम है जो किसी इंडियन को ये अवार्ड दिया गया है, 26th annual Crystal Award दिया गया है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है 2020, ये कहाँ पे होने जा रहा है, जो कि होगा 21 और 24th जनवरी को, से लेके 21 से लेकर 24 जनवरी तक होगा। तो ये कहाँ पे होने जा रहा है, तो ये होगा स्विट्जरलैंड की जो सिटी है डावोस और क्लोस्टर में ये होगा, और जिसका थीम था वो था स्टेक होल्डर फॉर ए कोहिजिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। और जो ये एनुअल मीटिंग थी ये ब्रिंग करती है टुगेदर लीडर फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, फॉरमोस्ट एक्सपर्ट एंड यंग जनरेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होगा एग्ज़ाम में कि ये कहाँ पे होने जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स 2020। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।